तो आज के हमारे इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला में हम आपके साथ बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हम यूज करते हैं टेक्स्ट की फॉर्मूला। तो कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले से शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं कोई नाम यहाँ लिखता हूँ तो लोअर केस में, मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अपर का, जो कि इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है फॉर्मूला प्रोपर का, जो इसको प्रोपर केस में कन्वर्ट करता है। तो एक और आता है लोअर, जो कि लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो तीन फॉर्मूले हैं, प्रोपर, अपर, प्रोपर, लोअर। तो प्रॉपर में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर देता है, अपर पूरा से कैपिटलाइज करता है, और लोअर तो लोअर ही कर देता है। ये छोटे छोटे फॉर्मूला है, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, हमने लास्ट में एक बार बताया था कि हमें अगर कोई नंबर हम लिखते हैं तो नंबर फॉर्मेट में, जो इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है तो सिंगल कोट लगा के हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख देते हैं। अब इसको वापस नंबर में लाना है कहीं पर, तो हमारे पास दो तीन फॉर्मूले हैं। पहला है वैल्यू का फॉर्मूला, वैल्यू फॉर्मूला नंबर को टेक्स्ट करता है। दूसरा है नंबर वैल्यू का फॉर्मूला, जो कि नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करता है। दे यहां पर अब बात करते हैं एग्जैक्ट फॉर्मूला। एग्जैक्ट फॉर्मूले से पहले एक चीज और जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग नंबर यहां देते हैं तो नंबर के ऊपर गलती से कई सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। अब बिल वगैरह में ऐसा हो तो दिक्कत होता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि फिक्स्ड फॉर्मूले के अंदर हम उस नंबर को डाल देते हैं, तो क्या होता है कि इसके ऊपर किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसको डॉलर के अंदर डाल दिए तो आपका जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है, जैसे मेरा तो रुपीज है, इसलिए रुपीज आ गया, आपका डॉलर होगा तो डॉलर आ गया। विंडो इंस्टॉल करते समय जो आपने डिफॉल्ट सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ आ जाएगा। अब इसमें ये तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एग्जैक्ट। एक्सेल में केस सेंसिटिव नहीं होता है, जैसे राम और राम, ये दोनों आपको बराबर मिलेंगे जब नॉर्मली इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन मुझे एग्जैक्ट मैच करना है तो एग्जैक्ट और इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा इसको सेलेक्ट करेंगे, तो एग्जैक्ट मैच में ये दोनों में ट्रू फॉल्स आ जाएगा, ट्रू आ फॉल्स आ जाएगा। क्यों? कि दोनों एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, एग्जैक्ट जब लिखोगे राम, अब ये आपको ट्रू आएगा। तो कभी पासवर्ड टाइप का मैच अगर करना हो तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मूले का। एग्जैक्ट फॉर्मूले के बाद इसमें हमने फाइंड कर दिया, फिक्स कर दिया, लेफ्ट भी बढ़ा दिया था, लेग भी बढ़ा दिया था, लोअर बढ़ा दिया, मिड भी बढ़ा दिया, नंबर वैल्यू बढ़ा दिया, प्रॉपर रिप्लेस बढ़ा दिया, सर्च और फाइंड एक ही जैसा होता है, सब्स्टिट्यूट बढ़ा दिया, टेक्स्ट ज्वाइन भी। हाँ, चलिए कुछ ये बात करते हैं ज्वाइंस के बारे में। हमने सेपरेशन के बारे में कल पढ़ा था, ज्वाइन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे सुजीत है और यहाँ पे कुमार है, अब मुझे इनको कंबाइन करना है, तो आपके पास दो तीन चीजें हैं। कॉनकटा नेट लगा लीजिए, कॉमा इसमें दीजिए, स्पेस अगेन कॉमा, इसको सिलेक्ट कीजिए, आ गया सुजीत कुमार। इसको आप एंड परसेंट से भी कर सकते हैं कि एंड इनवर्टेड कॉमा में स्पेस अगेन एंड, और फिर इसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो सुजीत कुमार आ जाएगा। लेकिन कब, जब प्रॉब्लम कब हो, जब एक लिस्ट होता है आपके पास। अब लिस्ट है तो क्या कीजिएगा, इतना बड़ा लिस्ट को कैसे कीजिएगा, क्योंकि कॉनकटा नेट का फॉर्मूला आप लगाते हैं तो एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें दो फॉर्मूले जो नए एक्सेल में आए हैं वो है कॉनकेट का फॉर्मूला, कॉनकेट, लेकिन इसमें सेपरेटर नहीं लगाता है। दूसरा हमारा टेक्स्ट ज्वाइन है, टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला सेपरेटर लगाता है। तो पहले डिलिमिटर जो सेपरेटर वो डालिए, ब्लैंक को स्किप करना है कहाँ करना है, और फिर अपना टेक्स्ट का पूरा रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं।
इस तरह से। लेकिन एक प्रॉब्लम कॉमन है, जैसे मैंने यहां डेट ले लिया, मान लीजिए स्टार्ट डेट और यहां पे एंड डेट ले लिया, स्टार्ट डेट एंड डेट। अब मुझे इसको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करते समय अगर मैं यहां पे कॉनकेट सॉरी इसका कॉनकेटनेट का फॉर्मूला या नॉर्मली जो हम इस तरह से एंड परसेंट लगा देते हैं वो भी ले सकते हैं, तो क्या होगा कि इस तरह का नंबर्स आता है। नंबर क्यों आता है, क्योंकि डेट का जो फॉर्मूला आपका है वो एक तरह से क्या है, डेट का फॉर्मूला एक तरह से आपका फॉर्मूला नहीं, डेट जो एक तरह से डेट नहीं होता है, इसके पीछे जाइएगा तो ये 44562 का आपको दिखेगा, जो कि गलत है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने सेलेक्ट किया है ना उसको टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर लेंगे, DDD/MMM/YY, टेक्स्ट कॉमा DDD/MMM/YY, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। अब टेक्स्ट फॉर्मूला की बात चली है, जैसे मैंने मान लीजिए 25 घंटे 22 मिनट और 36 में डाला, उस केस में हम यहाँ पे इसमें से अगर मान लीजिए आवर अलग करेंगे तो आवर में देखिए क्या आएगा, 1 आएगा। इसको अगर आप 25 अलग करना है तो टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर इन्वर्ट कॉमा के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में एच करेंगे तब यह आपका 25 आएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है, अगर मैं एच के जगह पे एम कर देता हूँ तो इसको अमाउंट इन मिनट में, सॉरी टाइम इज मिनट में कन्वर्ट कर देगा, टाइम इज मिनट में, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट का फॉर्मूला और दो को ज्वाइन करने का फॉर्मूला हमने आपको यहां बताया। अब एक यहां पे एक चीज और आता है, अभी ऊपर हमने बताया कि हम इसको किसी भी टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हुआ तो उसके लिए यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, किसका, टेक्स्ट टू नम वैल्यू टू टेक्स्ट, वी लुक अप वगैरह में इसका इस्तेमाल पड़ जाता है। और लास्ट फॉर्म, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे हम कुछ नंबर टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ नंबर लिखते हैं टेक्स्ट लिखते हैं, तो हमारे पास एक टी का फॉर्मूला है, जी हाँ टी, टी का फॉर्मूला इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट को सिर्फ लेगा नंबर को नहीं लेगा। इसी का अपोजिट हमारा एन का फॉर्मूला होता है, जो कि नंबर को लेगा और टेक्स्ट को छोड़ देगा, बिल्कुल ऐसे, ओके। दोबारा बताना एक बार, सामने है टी का फॉर्मूला जो कि टेक्स्ट को शो करेगा, नंबर को ब्लैंक शो करेगा, एन का फॉर्मूला जो नंबर को शो करेगा और टेक्स्ट को जीरो कर देगा। ठीक है, और कुछ सर? तो इस सारे टेक्स्ट के फॉर्मूले पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और एक रिसोर्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे कि रैप्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मैंने ए लिख दिया, और रैप्ट का फॉर्मूला एक होता है, इसमें अगर हम करते हैं कि इसको 5 times रिपीट कर दो, ये 5 times रिपीट कर दो, जितना बार इसमें लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 times रिपीट कर देगा, जितना बार आप रखोगे उतना बार इसको रिपीट कर देगा, ओके सर? जी सर।